हेलो गाइस स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में और जैसा कि आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है निम्बस निम्बस क्या है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये क्या रोल प्ले करता है एक लाइब्रेरी के लिए ये कितना इम्पॉटेंट है ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे निम्बस अगर हम बात करें निम्बस की तो निम्बस एक क्या है एक क्लाउड बेस्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम इसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वॉट इज निम्बस निम्बस एम लाइब्रेरी इज़ ए क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट इनेबल्स अ कम्प्लीट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एनी एकेडमी कॉरपोरेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरी यानी कि ये एक ऐसा क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है चाहे वो किसी भी लाइब्रेरी से रिलेटेड हो चाहे वो एकेडमिक हो कॉरपोरेट हो या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरी हो हर जगह जो भी डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट हो उन ई रिसोर्सिस को ईजी बनाने के लिए और एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म की बढ़ती हुई डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए साथ ही साथ इंस्टीट्यूशंस के को अपने ई रिसोर्सेज को एक स्ट्रोंगली मैनेज करने के लिए इस निम्बस का यूज़ किया गया है निम्बस को निम्बस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है इसके द्वारा निम्बस के द्वारा यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनको शेयर करने के लिए चाहे वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो एकेडमिक लेवल पे हो कॉरपोरेट लेवल पे हो या फिर गवर्नमेंट लेवल पर हो किसी भी पर्पज पे हो इन सब के लिए क्या किया गया है निम्बस का प्रयोग किया गया है अब निम्बस का अगर हम एम की बात करें तो निम्बस का जो उद्देश्य है वो क्या है ट्रांसफॉर्म योर लाइब्रेरी फॉर द डिजिटल फ्यूचर निम्बस एम लाइब्रेरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें बस इतना ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ करने की पावर प्रोवाइड करता है इट इज़ अ कंप्लीट डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म जो कि हमें मॉडर्न इंटरफेस प्रोवाइड करता है साथ ही साथ ये हमको एक यूनिवर्सल सर्च एक लाइब्रेरियन डैशबोर्ड ये भी जैसे टूल्स भी प्रोवाइड करता है अब इसका जो सेकेंड सेकेंड एम है वो एम ये है कि इसका सेकेंड एम है कि फॉर हायर एजुकेशन इसका निम्बस का जो मेन पर्पस है वो है हायर एजुकेशन को आप लोगों तक यानी कि यूजर्स तक उन सारी रि, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हैं यूज़र्स की उन उन से related जो भी इंफॉर्मेशन है वो यूज़र तक प्रोवाइड करना है इसका जो थर्ड एम है वो ये है फॉर गवर्नमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो भी चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट uh, से रिलेटेड हो या फिर जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हों उनसे रिलेटेड जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो यूज़र्स हैं उनको वो सारी इंफॉर्मेश प्रोवाइड करना इसका जो फोर्थ जो एम है वो है फॉर कॉरपोरेट 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 वर्ड में भी क्या है डॉक्यूमेंटेशंस का यूज़ होता है और कॉरपोरेट वर्ड भी इस भी निम्बस का यूज़ करता है क्योंकि निम्बस क्या है इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट निम्बस इज अ रिच कंटेंट प्लेटफॉर्म इट आल्सो अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट इनेबल्स अ कम्प्लीट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशनी अकेडमिक कारपोरेट और गोवर्मेंट इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरी अब अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है अ कम्प्लीट कंप्लीट डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म इसका जो ये क्या हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ये एक यूजर मॉडर्न इंटरफेस है इसमें क्या है यूजर फ्रेंडली वेब बेस्ड पोर्टल है जिसमें हम मोबाइल ऐप के द्वारा भी इसको जो है क्या कर सकते हैं ईजिली एक्सेस कर सकते हैं साथ ही साथ ये एक यूनिवर्सल सर्च भी प्रोवाइड करता है सर्च अक्रॉस ऑल डिजिटल रिसोर्सेज यानी लाइक डेटा बेसिस ई बुक्स जर्नल्स एंड आई आर इंफॉर्मेश्स सिंगल सर्च बॉक्स एक सिंगल सर्च बॉक्स के थ्रू हम ये सारी चीज़ों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से इसको हम चाहे तो आ, इसकी एक सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि इसको हम अपने इन कैंपस में ही रह कर के ही नहीं बल्कि ऑफ कैंपस में भी हम अपने मोबाइल के मोबाइल में एक ऐप के थ्रू भी इसके सारे इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये एक यूनिवर्सल सर्च हमको प्रोवाइड करता है उसके अलावा इसका जो जो कस्टम पोर्टल है वो क्या है ये एक कम्प्लीटली ब्रांडेड और कस्टमाइज इंटरफेस डिज़ाइन फॉर योर इंस्टीट्यूशन यानी कि ये एक ऐसा पोर्टल है जिसमें हमें कम्प्लीटली ब्रांडेड और कस्टमाइज इंफॉर्मेशन मिलेंगी किसी भी इंस्टीट्यूशंस के बारे में किसी भी इंस्टीट्यूशंस के बारे में जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में तो उसके बारे में हमको ये क्या मिलेगी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी साथ ही साथ ऑफ कैंपस इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम ऐसा नहीं है इसके साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अगर हम कैंपस में हैं तभी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं इसको हम ऑफ कैंपस भी अपने मोबाइल ऐप के थ्रू भी इसके जो भी इंफॉर्मेश्स uh, हैं उन सबको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं ये इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि एक्सेस ऑल रिसोर्स एनी वेयर एनी टाइम एंड ऑन एनी डिवाइस अगर कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है ऐसा हेडिंग भी पूछ ली जाती है इसका एक जो लोग इसका जो टाइटल है वो क्या है ठीक है अदर्स अब इसकी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वन लॉगिन टू एक्सेस ऑल डिजिटल कलेक्शंस यानी एक ही लॉगिन के द्वारा हम सारे जितना भी डिजिटल कलेक्शन है उसको हम क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं ऑफ आर्टिकल्स फुल टेक्स्ट फॉर सेवन इंटू ट्वेंटी फोर आवर्स लर्निंग एंड रिसर्च यानी कि सातों दिन चौबीसों घंटे हम इसमें इसके थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन ईजली एक्सेस कर सकते हैं उसके बाद क्या है कॉम्प्रिहेंसिव यूजर्स मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स ये इसकी एक करेक्ट्रिस्टिक्स है इसके अंतर्गत क्या आता है कि सिक्योर बाय डिज़ाइन विथ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल यानी कि इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है और जो भी डिज़ाइन विथ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल पूरा कंट्रोल है इस सॉफ्टवेयर के ऊपर कि कोई भी यूज़र इसको जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है वो उस सारी इंफॉर्मेशन को इसके थ्रू क्या कर सकता है एक्सेस कर सकता है सेकेंड है कि इज़ली मैनेज यूज़र्स रिपोर्ट्स एसेट्रा फ्रॉम अ पावरफुल डैशबोर्ड यानी कि एक पावरफुल डैश डैशबोर्ड के थ्रू हम जो जो भी यूज़र है जो भी यूज़र्स रिपोर्ट हैं उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं मैनेज भी कर सकते हैं थ्रू दिस ऐप थ्रू दिस सॉफ्टवेयर थ्रू दिस ई रिसोर्स और थ्रू दिस क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म तो ये इसको अगर हम शॉर्ट में बोलेंगे तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है एक बहुत ही अच्छा ई e रिसोर्स है जिसके द्वारा हम घर बैठे कहीं पे भी किसी भी समय अपनी इन्फॉर्मेशन को अगर हम पढ़ना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं मैनेज यूजर्स एंड ग्रुप इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है कि ये यूज़र्स और उनके ग्रुप को भी मैनेज कर लेता है कंट्रोल यूजर्स एंड देयर राइट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट सिंगल पॉइंट के द्वारा हम हाँ, यूज़र्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी जो भी इंफॉर्मेशन जो भी क्वेरीज हैं उन सभी को मैनेज कर सकते हैं एनालिटिक्स एंड रिपोर्ट्स इसकी एक खासियत ये भी है कि ये क्या करता है कि जो जो भी रिपोर्ट एक बहुत ही अच्छी एनालिटिक करके उसकी सारी एक अच्छी रिपोर्ट भी ये तैयार करता है सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग ऑफ ऑल रिसोर्स एंड यूजर्स वो ये देखता है कि यूज़र की किस यूज़र की क्या क्वेरी है कि क्या डिमांड है वो कौन सी किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को चाह रहा है हमसे तो उन सब चीज़ों को मॉनिटरिंग करके उनकी एक एम का एक एनालिटिक्स तैयार करके साथ ही साथ उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके वो यूज़र को ये क्या करता है ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है इसके साथ ही साथ इसके कुछ सब्सक्रिप्शन भी हैं ऑल योर सब्सक्रिप्शन आपके सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन के बिहा पे ये क्या करता है ईजली एड ऑल योर सब्सक्राइब कलेक्शन एंड डेटा यानी कि अगर आपने किसी डेटा बेस को सब्सक्राइब कर रखा है तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी जो भी करंट जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी आप तक वो पहुंचा देगा फिर नेक्स्ट है इसके कुछ इंटीग्रेटेड टूल्स हैं जैसे कि सिंगल पॉइंट एक्सेस फॉर टूल लाइक प्लेगरिज्म एल एम एस एसेट्रा अब ये एक ऐसा टूल है इंटीग्रेटेड टूल्स भी है इसके द्वारा हमको पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ किसी ने प्लेगरिज्म किया है अगर अगर किसी ने कहीं से किसी कोई, कोई चीज़ को कंटेंट को कॉपी एंड पेस्ट किया होगा तो वो इसमें इंटीग्रेटेड टूल है जिसके द्वारा हमको पता चल जाएगा नेक्स्ट है क्लाउड आर्किटेक्ट यूज़ ओपन स्टैंडर्ड्स रोबस्ट सिक्योरिटी एंड यूनिफाइड एक्सपीरियंस ये एक ऐसा क्लाउड आर्किटेक्ट है जो यूज़ ओपन स्टैंडर्ड ये ओपन स्टैंडर्ड को यूज़ करता है रोबस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एंड अ यूनिफाइड एक्सपीरियंस को भी प्रोवाइड करता है साथ ही साथ जैसे कि ये किसके लिए ज़रूरी है लाइक टीचर्स स्टूडेंट्स और जो भी रिसर्चर्स होते हैं जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं उनके लिए ये रिसोर्स जो है ये जो ई e रिसोर्स है ये जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट है कि वाई निम्बस आखिर निम्बस ही क्यों निम्बस क्या है निम्बस जैसा कि अभी मैं बताया कि निम्बस एक ऐसा कंप्लीट डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म है जो कि हमें मॉडर्न इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल सर्च एंड लाइब्रेरियन डैशबोर्ड जैसे टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे यूज़र्स एनी टाइम एनी वेयर एंड ऑन एनी डिवाइस नॉट ओनली इन कैंपस और ऑफ कैंपस फैसिलिटी भी हमको ये क्या करता है प्रोवाइड करता है जिससे लाइब्रेरी यूजर्स लाइब्रेरी रिसोर्स को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं इसका जो मेन पर्पज़ है वो यूज़र की जो भी डिफरेंट नीड्स हैं उनको फुलफिल करना है उनके लिए इसने क्या किया है कि एक माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट टीम बनाई है माइक्रोसॉफ्ट टीम लाइक कोहा ओपैक एसेट्रा का यूज किया गया है। अब अब चलिए जानते हैं कि आखिर में और क्या चीजें हैं। तो लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म यूज बाय 500 हंड्रेड प्लस रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस आर ट्रांसफॉर्मिंग देयर लाइब्रेरी फॉर अ डिजिटल फ्यूचर विद द निम्बस एम लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म यानी कि जो निम्बस है ये इसको कितने लोग डिजिटल कर रहे हैं लीडिंग कर रहे हैं डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म को 500 प्लस जो रेपेड इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर इसका यूज किया जा रहा है इंस्टीट्यूशंस आर ट्रांसफॉर्मिंग देयर लाइब्रेरी फॉर ए डिजिटल फ्यूचर विद द निम्बस एम लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म निम्बस के थ्रू जितने भी इंस, रेपुटेड इंस्टीट्यूशन हैं उन लोगों ने अपनी लाइब्रेरी को ए, जो डाटा है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है किस कर किस में कर दिया है एक डिजिटल फ्यूचर के लिए एक ऐसा एम लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। अब एम लाइब्रेरी निम्बस एम लाइब्रेरी इज वन स्टेप सॉल्यूशन विद रिच फीचर्स टू बिल्ड अप पावरफुल एंड यूजर फ्रेंडली डिजिटल लाइब्रेरी मीन्स निम्बस जो है एक ऐसी एम लाइब्रेरी इन वन इज़ अ वन स्टेप सोल्यूशन यानी कि वन पॉइंट वन स्टेप सोल्यूशन है एक ही बार में आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इसमें मिल जाएगा विद रिच फीचर्स जो इसके फीचर्स हैं वो बहुत ही रिच हैं to build a powerful and user friendly digital library user friendly क्योंकि ये हमको अपने मोबाइल पर भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं इसलिए हम इसको यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पावरफुल है और क्योंकि इसमें डिजिटल फ्यूचर डिजिटल फ्यूचर के बारे में बात हो रही है तो इसके द्वारा क्या होगा कि जो इसका प्रिंट मटेरियल होगा उसका यूज कम होगा साथ ही साथ ओनली कैंपस में ही डिजिटल सब्सक्रिप्शन तक को ही एक्सेस कर पाना ये इसकी एक बहुत बड़ी चुनौती है चैलेंज है इसके लिए थ्रू विच यूजर्स कैन सीमलेसली एक्सेस द डिजिटल रिसोर्सेज एनी टाइम एनी वेयर एंड ऑन एनी डिवाइस इसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इसके द्वारा ये इसने एक ऐसा रिसोर्स प्रोवाइड कर दिया है यूज़र्स के लिए कि कोई भी यूज़र एनी टाइम एनी वेयर और किसी भी डिवाइस यानी ऑन एनी डिवाइस ईजली आप इसके जो ई रिसोर्स के थ्रू इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं आप एक्सेस कर सकते हैं अब चलिए जानते हैं कि वो कौन से रेपूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इसको यूज़ करते हैं या इसकी पावर को मानते हैं निम्बस हैज़ मेड इट पॉसिबल टू डू a वन पॉइंट सर्च across resources एंड एक्सेस द लाइब्रेरी एट एनी टाइम from एनी वेयर ऑन एनी डिवाइस ये मानना है आई आई टी जम्मू का ठीक है आई आई टी जम्मू जो है ये मानता है कि निम्बस ही एक ऐसा हैज़ मेड इट पॉसिबल निम्बस ही एक ऐसा है प्लेटफॉर्म है जो ये पॉसिबल कर देता है टू डू अ वन पॉइंट सर्च एक्रॉस रिसोर्सिस एंड एक्सेस द लाइब्रेरी एट एनी टाइम फ्राम एनी वेयर एंड ऑन एनी डिवाइस तो इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे रेपुटेड क्योंकि अभी मैंने बताया आपको हो सकता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि कितने रेपुटेड कॉलेजेस हैं कितने रेपुटेड इंस्टीट्यूशन्स हैं जहां पर निम्बस का यूज़ किया जा रहा है तो अप्रॉक्स फाइव हंड्रेड प्लस नेक्स्ट है नीति आयोग नीति आयोग ने भी इसको माना है कि निम्बस इज अ सिंगल सर्च प्लेटफॉर्म विथ ग्रेट फीचर्स इट्स सर्विसेज शुड बी टेकन बाय अदर इंस्टीट्यूशन्स टू नीति आयोग ने भी इस सॉफ्टवेयर के बारे में इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से अपनी मान्यता दे रखी है कि निम्बस ही एक ऐसा सिंगल सर्च प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ग्रेट फीचर्स भी हैं और ये जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये अदर इंस्टीट्यूशंस को भी सारी इंफॉर्मेशन सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए ये ऐसा नीति आयोग का मानना है किसके बारे में निम्बस प्लेटफॉर्म के बारे में नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ इट्स वर्सटैलिटी एक्सेसिबिलिटी एंड ईज ऑफ यूज निम्बस हैज़ बिकम इजेंशियल टू आर इंस्टीट्यूट ये मानना है बी आई टी एस पिलानी दुबई ये जो इंस्टीट्यूट है बिट्स पिलानी जो कि कहाँ पर है दुबई में है इनका भी ये मानना है कि जो निम्बस प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही वर्सटाइल है इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत ही ईजी है ईजी टू यूज है और निम्बस हैज़ बिकम इजेंशियल टू आर इंस्टीट्यूट्स हमारे इंस्टीट्यूट्स के लिए निम्बस बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही आवश्यक प्लेटफॉर्म बन चुका है नेक्स्ट है आर रिसर्च स्कॉलर्स एंड फैकल्टी फाइंड इट वेरी यूजफुल especially while working from home we whole heartedly recommend it nimbus ye manna hai national institute of technology calicut calicut mein jo national institute of technology hai unka ye manna hai कि जब खास करके जब हम घर पे काम कर रहे थे उस वक्त इस प्लेटफॉर्म में इनकी बहुत अधिक मदद की है हेल्प की है कि आर रिसर्च स्कॉलर्स जो भी रिसर्च स्कॉलर्स थे जो भी फैकल्टी थी उन्होंने ये पाया कि ये बहुत ही यूजफुल है एंड स्पेशली वाइल्ड वर्किंग और स्पेशली कब यूजफुल है जब हम घर पर बैठ कर के अपना काम कर रहे होते हैं वी होल हार्टेडली रिकमेंडेड निम्बर्स और इन्होंने भी निम्बस प्लेटफॉर्म को रिकमेंड किया है हार्दिक रूप से उसके अलावा अदर और इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एस डी एम आई एम डी मैसूर एसेट्रा और बहुत से ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने निम्बस को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है इनका मानना है कि यूजर्स ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग वर वेरी फ्रूटफुल वी डोंट नीड मच टेक्निकल नॉलेज निम्बर्स इज ईजी टू यूज इसी के साथ साथ एस डी एम आई एम डी मैसूर का कहना है कि ड्यूरिंग दिस न्यू नॉर्मल निम्बस हैज हेल्प्ड अस टू सपोर्ट आर यूजर्स मीट देयर नीड्स एंड इंश्योर आर लाइब्रेरी रिसोर्सेज आर यूज रेगुलरली फॉर देयर रिसर्च एंड लर्निंग निम्बर्स के री हैव समल जो आपके सब्सक्राइब पोर्टल हैं उनमें जैसे कि जर्नल्स एंड बुक पब्लिशर्स डेटा बेसिस एंड एल टी आई कॉम्प्लियट कोर्सेस एसेट्रा क्रोटेड ओपन रिसोर्सेस ओपन एक्सेस जर्नल्स एंड बुक्स डियो एंड ई लर्निंग सर्विसेज ऑल्सो प्रोवाइड दिस प्लेटफॉर्म साथ ही साथमिक एंड लाइब्रेरी सिस्टम इसके अंतर्गत प्लेगरिज्म कोहा एंड ओपैक इन जो इनका क्या है यूज़ किया गया है इसका जो मेन पर्पज़ है वो क्या है यूजर की जो भी डिफरेंट टाइप्स की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करना है इस प्लेटफॉर्म के कुछ चैलेंजेस हैं जैसे कि इसका एक चैलेंज यह है कि इसने प्रिंट मटेरियल का यूज़ कम कर दिया है ओनली कैंपस में ही नहीं बल्कि कैंपस के बाहर भी जो भी डिजिटल सब्सक्रिप्शन तक को ही एक्सेस कर पाना था उसको आप ऑफ कैंपस भी यूज़ कर सकते हैं एक डिफरेंट सिस्टम का होना जैसे कि वेबसाइट बनाई गई वेबसाइट सर्च ऑफ कैंपस एक्सेस आई आर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें थैंक यू